हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जेनेटिक्स जो वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है, उसका मतलब क्या है। जैसे वो लैटिन वर्ड से ओरिजिन हो रहा था जेनेसिस से, फिर जेनेटिक्स किस किस चीज़ों के बारे में डील करता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो को देख सकता है। आज का जो वीडियो है इसमें हम कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं जेनेटिक्स की उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है तो हमें क्या होगा, जैसे हम मान लीजिए अगर हम कोई एक स्टोरी रीड करना चाहते हैं, अगर हम इंग्लिश की बात करें या लैंग्वेज लिटरेचर किसी की भी बात करें, अगर हम कोई स्टोरी रीड करना चाहते हैं तो स्टोरी ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्टली बच्चे को हम बुक पकड़ा देते हैं और बच्चा स्टोरी रीड करना स्टार्ट कर देता है। नहीं, उसके पहले उसको अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिर वर्ड्स उसको प्रोनाउंशियस करने आने चाहिए। तो उसी तरीके से हो सा हम जेनेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, बट अगर आपको टर्मिनोलॉजीज का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम तो पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड का मतलब क्या है, इसको कहते क्या है। अगर टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी तो कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएंगे। इसलिए आज की वीडियो में हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरा नाम नैनिमा रघुवंशी है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस होंगी उनका इंफॉर्मेशन या उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो हमने कहा कि हम आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जेनेटिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स टर्म की बात अगर हम करें तो पहला टर्म इसमें जो दिख रहा है हमें वो क्या है, वो फैक्टर्स। क्या है? फैक्टर्स के बारे में है। फैक्टर्स होता क्या है? ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था कि जो मेंडल साहब थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हमें ये चीज़ें बता दी थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हेरिडिटी हो रही है। हेरिडिटी क्या था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी क्या होता है, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना है, इज द हेरिडिटी। तो वो किसकी वजह से हो रहा था, तो मेंडल ने कहा कि देर इज सम फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, जिसको हम आज के टाइम में क्या कहते हैं, जीन। लेकिन मेंडल ने उसको जीन नहीं कहा था, मेंडल ने उसको क्या कहा था, फैक्टर। वो जीन वर्ड नहीं दिए थे, जीन वर्ड किसने दिया है, बेटसन ने दिया है, बहुत बाद में दिया है। तो फैक्टर क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की इकाई जिससे हेरिडिटी हो पाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड अपियरेंस ऑफ कैरेक्टर। जो किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए, हेरिडिटी के लिए और कैरेक्टर्स के अपियरेंस के लिए। मतलब जैसा जीन होगा वैसे जीनोटाइप होगी, जैसे जीनोटाइप होगी वैसे फिनोटाइप होगी। तो किसी भी कैरेक्टर के अपियरेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, हेरिडिटी की जो यूनिट होती है वही क्या कहलाता है, फैक्टर। और इसी फैक्टर को हम आज क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और ये फैक्टर टर्म जो था ये किसने दिया था, द वर्ड फैक्टर इज गिवन बाय मेंडल, हमारे मेंडल साहब ने, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उन्होंने दिया था। फिर सेकंड की बात करें हम तो लिखा है अलील्स। अलील्स क्या होते हैं, देखिए ये फैक्टर, यही फैक्टर क्या है, यही जीन भी है, फैक्टर इज जीन, हमको पता है। बस मेंडल ने उसको फैक्टर कहा था, बाद में बेटसन ने बताया कि वो जो फैक्टर, मेंडल जिस फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे वो क्या होता है, वो जीन होता है। तो क्या होता है, जीन, अलील अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अलील्स। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम पोजिशन ऑन द होमोलॉगस क्रोमोजोम, होमोलॉगस क्रोमोजोम पे सेम पोजिशन पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, अलील्स। लाइक क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई जीन है, हम कह लेते हैं जीन फॉर हाइट। तो हाइट के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, ये टॉल के लिए। ये क्या है, ये हमारा एक जीन है, लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं दो अलील्स है, एक कैपिटल टी ये है, एक कैपिटल टी ये है। तो ये क्या कहलाते हैं, अलील्स। क्या होंगे ये अलील्स, एक और ये क्या कहलाएगा, जीन। मतलब दो अलील्स मिलके एक जीन बनाते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द सेम पोजीशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। होमोलॉगस क्रोमोजोम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल है उसके लिए एक्स एक्स क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल है और ये कोई मेल के लिए एक्स और वाई क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ हमको पता है।
तो क्या होता है कि मान लीजिए ये हो जाएगा एक क्रोमोसोम, तो ये क्या कहलाएंगे, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। मान लीजिए ये कैपिटल टी एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट, ऐसा नहीं कि एक यहाँ प्रेजेंट है तो दूसरा यहाँ प्रेजेंट होगा, नहीं, ये कंडीशन एक यहाँ प्रेजेंट है तो एक यहाँ सेम पोजीशन पे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। लेकिन अगर ये दोनों हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे कि एक मिनट, ये मान लीजिए ये एक्स क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, और एक और एक्स यहां रहेगा। अब जो कैपिटल टी हम की बात करें, एक कैपिटल टी हमारे यहां प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी यहां प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्या हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम। और अगर इन दोनों की बात करेंगे तो ये कहलाएंगे पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया अगर इस पे प्रेजेंट है तो, एंड अगर दोनों की बात करते हैं तो पेयर ऑफ होमोलॉगस। तो अलील्स क्या होती हैं, अलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। मान लीजिए ये अगर एक जीन है तो हर जीन में दो अलील्स, मतलब दो अलील्स मिलके एक जीन बनाते हैं, तो अल्टरनेटिव फॉर्म जो होते हैं ये भी हो सकता है। या मान लीजिए ये ले लेते हैं तो ये दोनों अलील हो जाएंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और दोनों साथ में मिलके क्या बनाएंगे, जीन बनाएंगे। और अलग अलग अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये हो जाएंगे अलील्स, ठीक है। तो alleles is what? Alternative form of gene is known as alleles. The term allele was coined by Bateson. Allele term भी किसने coin करा था? Bateson साहब ने ही करा था. Third आता है characters. क्या है? Characters. Characters क्या होते? Characters are the feature of any individual such as color, height, etc. किसी भी individual का feature. मान लीजिए हम किसी चीज की theory पढ़ते हैं ना? तो जैसे मान लीजिए हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस, तो हम कहते हैं व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिक्विड। कैसे हम किसी को कह रहे हैं सॉलिड है, क्या उसके कैरेक्टर्स हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि वो सॉलिड है, और क्या उसके कैरेक्टर हैं जिससे ये पता चल रहा है कि वो लिक्विड है, तो उसके गुण क्या हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स यहाँ पे भी क्या है, वही चीज है, किसी भी इंडिविजुअल का जो भी फीचर्स होता है, लाइक उसकी क्या हाइट है, कौन से कलर कॉम्प्लेक्शन का है वो, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर आता है ट्रेट। ट्रेट को हम क्या कहेंगे, ट्रेट्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स या डिफरेंट फॉर्म्स। सिंपल लैंग्वेज, सबसे सिंपल डेफिनेशन ट्रेट की क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। जैसे एक जीन में दो अलील हो रही थी, वैसे कोई भी कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर कितने तरीके का हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे हाइट का, हाइट लिए हैं, हाइट का एग्जाम्पल है, तो हाइट कितने तरीके के, लंबे लोग हो सकते हैं, बौने लोग हो सकते हैं, तो हाइट हुई ना कई तरीके की, हाइट इज अ कैरेक्टर, हाइट तो एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन वो कैरेक्टर कितने तरीके के हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से हमें उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रेट। तो क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स कोई भी फीचर होता है इंडिविजुअल का, और वो फीचर कितने तरीके की हो सकती है, मतलब कैरेक्टर्स के कितने फॉर्म होंगे, वही क्या कहलाते हैं, ट्रेट। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, विच आर इजिली डिटेक्टेबल एंड देयर वेरियंट लाइक, और उनके वेरियंट जो होते हैं लाइक टॉल एंड ड्वार्फ, हाइट की बात कर रहे हैं तो एक टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, वॉयलेट एंड वाइट, अगर फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं तो फ्लावर जो है वो वॉयलेट कलर का भी हो सकता है, और वाइट कलर की बात कर रहे हैं इज द कैरेक्टर, बट उसके ट्रेड्स क्या है, वॉयलेट भी हो सकता है और वो वाइट भी हो सकता है। ब्लैक और ब्राउन, मान लीजिए कोई एनिमल है उसके हम कोट कलर की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक कलर का कोट कलर लाइक डॉग ही है, तो ब्लैक डॉग भी दिखता है हमें और वाइट डॉग भी दिखता है, कलर दोनों है, अब कौन सा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ट्रेट। और सबसे सिंपलेस्ट डिफिनेशन जो होता है ट्रेट का, वो ये होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर आर नोन एज ट्रेट्स। डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं कैरेक्टर को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इस पे जीनोटाइप के बारे में, देखते हैं जीनोटाइप क्या होता है। हमने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर जैसा जीन होगा
उस हिसाब से वो जीनोटाइप बनाएगा, और जैसा हमारा जीनोटाइप होता है उस हिसाब से हमारी फिनोटाइप बनती है। ठीक है, तो हम जीनोटाइप फिनोटाइप है क्या, सुनते तो हमारे हैं कब से कि जीनोटाइप फिनोटाइप, बट जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है, मतलब जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि पी का जो प्लांट है वो टॉल है, ठीक है, टॉल है, टॉल इज द फिनोटाइप, मतलब वो फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा है, इज द फिनोटाइप, वो दिख रहा है कि टॉल है, बट वो टॉल क्यों है, उसके पीछे जीनोटाइप क्या है, तो उसका जीनोटाइप है ये, तो ये उसका क्या हो जाएगा, जेनेटिक मेकअप हो जाएगा। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है वही क्या कहलाता है, उसका जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, जीनोटाइप इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर्स और अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब जो जीन्स मिलकर एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, वही क्या कहलाता है, जीनोटाइप। या सिंपल लैंग्वेज में हम कह लें तो द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है, जिस जिस जीन से मिलकर वो बना है, वही क्या कहलाता है, उसका जीनोटाइप। लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, हाइट के लिए तीनों रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल ही होगा, कैपिटल टी है तो भी टॉल होगा, स्मॉल टी है तो वो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट ही है, तीन तरीके की हाइट है। क्यों ये तीन तरीके की, तीनों का देखिए जेनेटिक मेकअप अलग अलग है। अगर वही हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, टॉल है, ये सिर्फ ड्वार्फ है तो अलग हो जाएगा, बट अगर हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं तो तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्या देखिए इसमें एक स्मॉल टी है तो इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, सेम है क्या, नहीं है, अलग है। इसकी अगर बात करें तो ये दोनों कैपिटल टी है तो ये भी अलग है, तो ये होता है जीनोटाइप, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है, किस किस टाइप के जीन से मिलकर वो बना है, इज नोन एज इट्स जीनोटाइप। ठीक है, उसके बाद फिनोटाइप की बात करते हैं। अभी मैंने बताया, दोनों साथ में ही बता रही थी मैं, फिनोटाइप क्या होता है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप समझ में आ गया कि जो जेनेटिक, तो जैसा जेनेटिक मेकअप होगा, अब हम ये तो नहीं कह देंगे ना कि ये स्मॉल टी वाला टॉल हो जाएगा, होगा ही नहीं टॉल, क्यों, क्योंकि इसके पास टॉल वाली जीन ही नहीं है, तो जैसा जीन होगा हमारा फिजिकल अपीयरेंस भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब जो हमें बाहर से, अब जेनेटिक मेकअप जो होता है, अब कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, अब हम उसको देख के तो नहीं बता देंगे कि वो अंदर के जीन्स दिख रहे हैं तो ये इसके अंदर ये वाले जीन्स प्रेजेंट होंगे तो ऐसा होगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि एकदम एक्सरे हमारी आंखों में लगा हुआ है बंदा, या छोड़िए एग्जाम्पल पी प्लांट का ही ले लेते हैं, टॉल दो तरीके के होते हैं, होमोजाइगस हेटरोजाइगस। अब पी प्लांट लगा हुआ है, हम गए देखे कहें ओह ये हेटरोजाइगस टॉल पी प्लांट है या ये होमोजाइगस टॉल पी प्लांट है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें दिख थोड़ी नहीं रहा, वो तो हमें पता करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस जो सामने से दिख रहा, हम ये कह सकते हैं देख के कि हाँ ये लंबा पेड़ है ये छोटा पेड़ है। ठीक है, बस ये कह सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि लंबाई में ये कौन सी वाली लंबाई है, होमोजाइगस है कि हेटरोजाइगस है, ये नहीं पता। तो जो देख के चीज़ें हमें पता चलती हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस किसी भी इंसान का आता है, या जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। इट इज़ द ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, किसी का भी ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होता है वही होता है। द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स, अलग अलग अलील्स के कॉम्बिनेशन से जीन्स बनेंगे और उस जीन के हिसाब से उस इंसान का या उस इंडिविजुअल का उस ऑर्गेनिज्म का एक फिनोटाइप निकल के आएगा। ठीक, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक टॉल ड्वार्फ ब्लैक, ये सब क्या कहलाएंगे, इसके फिनोटाइप कहलाएंगे। अब ये जो वर्ड जीनोटाइप है और ये वर्ड जो फिनोटाइप है, ये दोनों वर्ड किन्होंने दिया था, जोहानसन ने, किन्होंने दिया था, जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप को बताया था। फिर आता है एक फिनोकॉपी, क्या आता है, फिनोकॉपी का आता है। अब देखिए फिनोकॉपी को समझिए, हमने कहा कि जैसा जीनोटाइप होता है वैसा फिनोटाइप आता है। ठीक है, अब सोचिए कि दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों का जीनोटाइप अलग अलग हो, ठीक है,
और जीनोटाइप अलग अलग हो और हम उनको क्या करें, एक को उठा के हम बनारस में रख दे रहे हैं और दूसरे को उठा के हम मुंबई में रख दे रहे हैं, ठीक है, या मुंबई छोड़िए, एक को यहीं रहने देते हैं, एक को शिमला छोड़ाते हैं, यहाँ का और वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन पूरी तरीके से अलग होता है। तो दो ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनका जीनोटाइप तो अलग है ही, वो पहले से ही अलग है उनका जीनोटाइप, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनके इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी अलग कर दे रहे हैं। लाइक कभी कभी क्या होता है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा कहा के जाता है, ऐसा होता है कि किसी भी इंसान के ऊपर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आप उस तरीके से उभर के आते हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जीनोटाइप तो डिफरेंट है ही, इफ डिफरेंट जीनोटाइप्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, जीनोटाइप तो अलग था ही, उन बंदों को हम क्या कर रहे हैं, उठा के अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी रख दे रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट क्या है इसमें, इसके बाद भी जो उनका फीनोटाइप है वो सेम आ जा रहा है, ठीक है, उसके बाद भी इनका फीनोटाइप कैसा आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हम मतलब इधर जैसे बनारस, बनारस क्या है, यहाँ पे जो नॉर्मल हाइट होती है वो 5'4" या 5'8" ये सारी, मतलब गर्ल्स उसमें 5'4" 5'5" नॉर्मल हो गई, बॉयज़ में थोड़े लंबे होते हैं तो उसमें आ जाता है 5'7" 5'8" ये सारी नॉर्मल हाइट हो गई। लेकिन हम क्या कहते हैं, हिली एरियाज पे हम कहते हैं कि प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से उनका हाइट, उनकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी कम ही, वो मॉडरेट हाइट के होते हैं, मतलब थोड़ी कम कम हाइट होती है उनकी। लेकिन क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है, एक को पहाड़ी एरिया में दिखे लेकिन दोनों की हाइट सेम हो जाए, तो फिनोकॉपी क्या आई, मतलब फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप सेम आ गया। तो ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं कि ये एक दूसरे के फिनोकॉपी हैं, क्या है, यही एक दूसरे के क्या है, फिनोकॉपी हैं। कौन एक दूसरे के फिनोकॉपी है, जो ऐसे इंडिविजुअल हों जिनका जीनोटाइप अलग हो और हम उनको उठा के अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी रख दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है, उनका फिनोटाइप जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि दे आर द फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर, वो क्या है, एक दूसरे के फिनोकॉपी हैं, ठीक। इफ डिफरेंट जीनोटाइप्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप, देन दीज जीनोटाइप्स आर सेड टू बी फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर। तो ऐसे जीनोटाइप को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, फिनोकॉपी हैं। फिर बात आती है होमोजाइगस और हेटरोजाइगस कंडीशन की, ठीक है, दो कंडीशन होती हैं, होमोजाइगस और हेटरोजाइगस। तो होमो की बात करें तो होमो का मतलब होता है सेम, मतलब एक जैसा, ठीक है, होमोजाइगस और हेटरोजाइगस। इसमें क्या होता है कि होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। और जाइगस जो है वो जाइगोट जैसे शब्द से मिलके बना है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा मतलब जीन है जिसमें जो दोनों पेयर ऑफ अलील्स हैं, अगर दोनों जो हैं वो सेम होंगे तो वो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कंडीशन। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी, ये अलील दोनों सेम हैं तो ये होमोजाइगस कंडीशन कहला जाएगा। या हम लिख लें स्मॉल टी, देखिए दोनों अलील सेम है तो ये क्या कहला जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन। वही हेटरोजाइगस कंडीशन की बात करें तो वो अलग अलग होंगे, कैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है अलग, ये डोमिनेंट कंडीशन हो जा रहा है और ये रिसेसिव कंडीशन हो जा रहा है, तो हो गए अलग अलग। तो जो सेम रहेंगे वो होमोजाइगस और जो अलग रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, हेटरोजाइगस, ठीक है। तो यही डिफरेंस है होमोजाइगस और हेटरोजाइगस में, सॉरी। तो यही डिफरेंस है होमोजाइगस और हेटरोजाइगस में, ठीक। होमोजाइगस व्हेन टू अलील्स ऑफ अ पेयर आर सिमिलर, जब
किसी भी पेयर के दो अलील्स होते हैं वो सिमिलर होंगे तो वो कंडीशन कहलाएगी होमोजाइगस की, लाइक कैपिटल टी या स्मॉल टी। एंड हेटरोजाइगस व्हेन टू अलील्स इन अ पेयर आर डिफरेंट इज कॉल्ड एज हेटरोजाइगस। अब ये जो दोनों टर्म है होमोजाइगस और हेटरोजाइगस, इसको किसने दिया है, ये क्वाइन किसने किया है, ये टर्म बेटसन ने किया है। होमोजाइगस और हेटरोजाइगस जो टर्म है वो किसने क्वाइन करा है, वो बेटसन ने करा है। फिर आती है बात एक डोमिनेंट की और एक रेसेसिव की। डोमिनेंट क्या होते हैं, अब जैसे हम कब से कह रहे हैं कि कोई भी जीन होगी तो उसमें दो अलील्स होंगे, ठीक है, हर जीन में क्या होता है दो पेयर ऑफ अलील्स होते हैं। तो मान लीजिए ये जीन है तो ये पेयर्स ऑफ अलील हो गए, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि एक जो अलील होगा वो डोमिनेंट है और एक अलील क्या है, रेसेसिव है। या अभी इसको छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो कैपिटल टी जो अपर केस वाला है वो क्या है, डोमिनेंट कंडीशन है, ठीक है, और ये डोमिनेंट क्या दे रहा है, टॉल दे रहा है। और ये जो स्मॉल टी वाली कंडीशन है ये कैसे कंडीशन है, ये रेसेसिव कंडीशन है। और ये क्या दे रहा है हमें, ये ड्वार्फ दे रहा है, ठीक है, ये ड्वार्फ दे रहा है। तो ये तो ठीक है, प्योर कंडीशन है तो ठीक है। अब मान लीजिए एक इसका आ जाए, एक इसका आ जाए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आ जा रहा है, तो हमें पता है कि एक कौन सा है, ये कैपिटल टी जो था ये डोमिनेंट कंडीशन है, तो ये कैसा आ गया, डोमिनेंट कंडीशन आ गया। अब ये जो स्मॉल टी है ये क्या है, ये रेसेसिव कंडीशन आ गया, ठीक है। तो इससे ये अब इसका जो फीनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा, टॉल ही आएगा। क्यों टॉल आएगा, स्मॉल टी भी तो है, ड्वार्फ भी तो आ सकता था, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। अगर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होता है तो जो फिनोटाइप आएगा वो डोमिनेंट का ही अलील आता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है रेसेसिव वाला ये अपने आप को शो नहीं कर पाता है डोमिनेंस की प्रेजेंस में। जब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव साथ साथ प्रेजेंट हैं तो रेसेसिव का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। रेसेसिव का इफेक्ट तभी देखने को मिलेगा जब सिर्फ रेसेसिव, मतलब इसके अगर ये कंडीशन है तभी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट होता है वो होमोजाइगस एज वेल एज हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस कर पाता है, बल्कि जो रेसेसिव होता है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन। जैसे आप देख रहे एग्जांपल, ये होमोजाइगस कंडीशन है डोमिनेंट का और ये हेटरोजाइगस कंडीशन है डोमिनेंट का, लेकिन दोनों में आ तो टॉल ही रहा है। तो डोमिनेंट कंडीशन जो होता है वो होमोजाइगस एज वेल एज हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन जो रेसेसिव होता है ये सिर्फ क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन में अपने आपको एक्सप्रेस कर पाएगा। और अगर रेसेसिव कभी भी किसी डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट है तो वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर सकता है, वो क्या करेगा, जो डोमिनेंट रहेगा उसी का इफेक्ट। और वो अपना इफेक्ट कब शो करेगा, जब डोमिनेंट अलील उसके साथ प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, यही है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक। डोमिनेंट व्हेन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर प्रेजेंट एंड ओनली वन ऑफ देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स देन दीज जीन आर कॉल्ड एज डोमिनेंट जीन। जब दो अल्टरनेटिव जीन प्रेजेंट है और उसमें से जो हमें एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है वो सिर्फ एक का ही किसी का देखने को मिल रहा है, तो जिस जीन का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है उस जीन को हम कहते हैं कि ये कैसी जीन है, ये डोमिनेंट टाइप ऑफ जीन है, ठीक है। वही अगर रेसेसिव की बात करें तो व्हेन टू डिफरेंट अलील प्रेजेंट, जब दो डिफरेंट अलील एक साथ प्रेजेंट है तो उसमें से एक जो होगा वो अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और उसी को हम कहते हैं रेसेसिव जीन। तो जो रेसेसिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाता है अपने इफेक्ट को, जबकि जो डोमिनेंट होता है वो क्या करता है, होमोजाइगस एज वेल एज हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। ये जो है ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड, जो आपको लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे हम तो समझने में, क्योंकि आगे ये टर्म्स आएंगे तो आपको मतलब पता होगा कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बता रहे हैं उसमें हम कह देंगे ना कि ये डोमिनेंट है इसलिए दिख रहा है, तो आपको पता होगा ना, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फादर ऑफ मेंडल के मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में, मेंडल जी के बारे में पढ़ेंगे।
थैंक यू आज की वीडियो के लिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। थैंक यू।